तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका चैनल टेक्निकल आर्किटेक्ट में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं 2x20 और 3x30 का ऑफर काउंट ट्रिक। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर आप बताइए 2x20 और 3x30 ऑफर काउंट नहीं और उसका ट्रिक बता दीजिए। तो मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ और आप देखते रहिए मैं किस तरह से करता हूँ, उसी तरह से आप भी कीजिए। आपका कितना हो पुराना मर्चेंट हो, आप पे ज़रूर काउंट होगा, अवश्य ही काउंट होगा। लेकिन वीडियो को मैं बस मतलब पूरा लास्ट तक देखिएगा किस तरह से मैं करता हूँ, मतलब कैसे करता हूँ। लेकिन देखिए कुछ उसके TNC में कुछ चेंज कर दिया गया, इसलिए आपका ऑफर काउंट नहीं हो रहा है। मैंने किया तो मतलब मेरे सारे जितने भी पुराने मर्चेंट थे, मेरा जो मर्चेंट है, मेरा खुद का जो मर्चेंट है, मैंने जनवरी 2018 में बनाया था, आज पूरे 1 साल से अधिक हो गए हैं और उसमें भी काउंट हो रहा है। तो दोस्तों आप कुछ गलत कर रहे थे इसलिए आपका काउंट नहीं हो रहा था। मैं या समझ लीजिए इसको काउंट ट्रिक बता रहा हूँ, या तो मैं सब पे काउंट हो रहा है, मैं एक बार आपको काउंट करके दिखा रहा हूँ। जैसा भी आप वीडियो में सजिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए, क्योंकि आपका समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको 1 रुपये का भी लाभ होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर वीडियो आप देख रहे हैं, अगर उस वीडियो से आपको 1 रुपये का भी फायदा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही कम बोलता हूँ, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अगर जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ या जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ करने का, उससे आपका ऑफर काउंट हो जाता है 2x20 या 3x30, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका कोई भी जितना भी पुराना मर्चेंट हो, आपके 100% काउंट होगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा 3x30 ऑफर दिखा रहा है। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं मैंने 2 ऑफर काउंट करा लिया है और आपका तीसरा ऑफर काउंट करके दिखाऊंगा और कैशबैक लेकर के भी दिखाऊंगा आपके सामने। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं मैंने 1 मार्च को पैसा पेमेंट किया है और दूसरा 2 मार्च को पेमेंट किया है। चूँकि आप लोग हालांकि सभी लोग जानते हैं कि एक दिन में एक ही पेमेंट हो रहा है जितने भी TNC हैं, और एक दिन में एक पेमेंट होता है और एक ही मर्चेंट पर तीनों पेमेंट कर सकते हैं, एक ही मर्चेंट पर तीनों बार पेमेंट करके आप पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने 1 मार्च को किया, 2 मार्च को किया, आज है 3 मार्च और समय हो रहे हैं 6:16, पूरा अभी मॉर्निंग का समय है। तो मैं आपको करके दिखा, देखिए जैसे कि पूरा मतलब TNC का क्या था, पहले 20 रुपये भेज कर या मिनिमम ट्रांजेक्शन 20 रुपये था, 20 रुपये भेज कर ऑफर को काउंट कर लेते थे। लेकिन अब आपको 21 रुपये भेजना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, किन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, आपको 21 रुपये भेजना है तब जाके ऑफर को काउंट होगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप 21 रुपये नहीं, 25 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच पे कीजिए, क्योंकि 21 रुपये यार 4 रुपये बढ़ा देगा, तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा, तुम्हारे ही मर्चेंट पर पैसा पे हो रहा है। तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, मैं सिंपली पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना सबसे पुराना जो मर्चेंट है मैं उस पर काउंट करके दिखाऊँ, जो नया बनाया है उस पर नहीं काउंट करा। देखिए मेरा टेक्निकल आरके राजभर है और यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं मेरा सबसे पुराना अकाउंट है। मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं लिंक है, बाकी इसमें एक PNB का बैंक लिंक है, मैं उससे इसको जोड़ करके बनाया था। मैं आपके सामने यहाँ पर 25 रुपये पे कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप वॉलेट से पे कीजिए, तो कोई भी समस्या ना, आप वॉलेट से पे कीजिए। मैं यहाँ पर वॉलेट से पे करता हूँ और देखते हैं आपके सामने ऑफर काउंट होता है कि नहीं होता है। तब उसके बाद मैं आपको एक और मतलब 3x30 और एक मैंने आपको करके दिखाऊंगा। मैंने भी 2 अकाउंट लॉगिन किए हैं अपने में और उसका मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 3x30 ऑफर काउंट हो गया है और दिखा रहा है अर्न ऑन योर 30 रुपये अर्न, मतलब यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ आपके सामने ऑफर मेरा काउंट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर 1 मार्च लिखा आ रहा है, यहाँ पर 2 मार्च लिखा आ रहा है और यहाँ पर 3 मार्च लिखा रहा है 6:17। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपने पासबुक खोल के दिखा देता हूँ और यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं मेरा कैशबैक रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप सुबह के टाइम कीजिए, लेकिन आप मतलब दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑफर तुरंत नहीं काउंट हो रहा है, कुछ देर बाद काउंट हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ। और मैं वीडियो को पूरा लास्ट देखिए, वीडियो में कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर मेरा ऑफर काउंट नहीं हो रहा। अरे यार मैं कर रहा हूँ तो काउंट हो रहा है, आप कर रहे हैं तो काउंट ही नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? पेटीएम तो मुझे बेसिकली सिलेक्ट थोड़ी किया, मेरा सबसे पुराना मर्चेंट पिछले महीने में जो मैंने किया था, इस मेरे मर्चेंट पे काउंट नहीं हो रहा था, इस बार काउंट हो रहा है। आप सिंपली देख सकते हैं 3x30 मेरा कैशबैक रिसीव हो गया है और कैशबैक कब रिसीव हुआ आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी मिला सकते हैं 6:17, 3 मार्च 2019। यहाँ पर सिंपली आपका लाइव प्रूफ है, मैंने इसको तो मैंने आपको कैशबैक रिसीव करके दिखाया है और मेरा एक अकाउंट मैंने लॉगिन किया है उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एकदम उसको एक्टिवेट नहीं किया है ऑफर मैंने। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑफर शो हो रहा है यहाँ पर बैनर, और यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं यही मेरा ऑफर है 3x30 पे एट नियर बाई शॉप ऑफर। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको एक्टिवेट करता हूँ। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, देखिए मिनिमम ट्रांजेक्शन अब 21 रुपये कर दिया गया,
कुछ लोग 20 रुपये करके ही भेज रहे होंगे, इसलिए उसका ऑफर नहीं काउंट हो रहा होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा 25 से 30 रुपये के अंदर पे कीजिए, तो आपको देखिए ऑफर काउंट होता है कि नहीं होता है। 100% काउंट होगा आप, और किसी भी कितना भी पुराना मर्चेंट हो, आप वॉलेट से पेमेंट कीजिए, QR कोड स्कैन करके पेमेंट कीजिए, बल्कि ना कि मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट कीजिए। और मान लीजिए आप दोपहर के समय करते हैं तो आपका ऑफर कुछ देर बाद काउंट हो जाए, लेकिन सुबह के टाइम करेंगे तो आप देखेंगे कभी कभी केस में इंस्टेंट काउंट हो जा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं जिस तरह से कहूँगा उसी तरह से करते रहिए। और चलिए देखते हैं मेरा ऑफर काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑफर आपके सामने काउंट हो रहा है, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा थोड़ा मॉर्निंग में ही कीजिए, तब बिल्कुल सही रहेगा। आप देखिए 6:20 हो रहा है, यहाँ पर मेरा टाइम भी यहाँ पर मिला सकते हैं, 6:20 हो रहा है ऊपर भी, 3 मार्च 2019 6:20 पे। तो ये था 3 पे 30 का ऑफर, मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया बिल्कुल लाइव। और एक मेरे अकाउंट में 2 पे 20 ऑफर है, मैं उसको भी काउंट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं मेरा दूसरा अकाउंट है, और यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है 2 पे 20 एट नियर बाई शॉप ऑफर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सब ऑफर काउंट करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। आपको कितना ही पुराना मर्चेंट हो उस पर ऑफर आप काउंट करा सकते हैं, लेकिन आपको ऑफर एक्टिवेट करने के बाद QR कोड स्कैन करना होगा, QR कोड स्कैन करके आपको वॉलेट से पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कितना करना है, 25 से 30 रुपये के बीच, मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर सिंपली मैं एक बार फिर से अपना देखिए, मैं उसी की मतलब मर्चेंट पे बार बार पे कर रहा हूँ। ये मेरा मर्चेंट लगभग 1 साल पुराना है, मैंने सबसे पहले अपने एरिया में इसको बनाया था PNB का बैंक अकाउंट डाल करके। उस समय पेटीएम पेमेंट बैंक भी नहीं था जिस समय इसको बनाया था, इसलिए मैं पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं जोड़ पा रहा हूँ उसमें। और सिंपली चल के दिखाते हैं मेरा ऑफर काउंट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ऑफर कुछ लेट से भी काउंट होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और आपके सामने बिल्कुल देख सकते हैं मेरा ऑफर एक बार और काउंट हो गया, टाइम है आप बिल्कुल मिला सकते हैं आप 3 मार्च 2019 6:21 में। इस समय मेरे एरिया में कुछ बारिश हो रहा है, तो आपको कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आप एकदम साफ देख सकते हैं यहाँ पर यार दोस्तों की मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको 21 रुपये करना है। कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, TNC पर ध्यान नहीं देते हैं कुछ लोग, तो कमेंट करते हैं। तो चलिए मैंने कहा चलिए दोस्तों मैं आप लिए बना देता हूँ, उसमें क्या बात है, मेरा काम ही ऑफर का अपडेट देना। और आप लोगों का मतलब आप जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उससे आपको 1 रुपये का भी लाभ हो जाए, तो मैं आपको जानता हूँ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। आप सिंपली पढ़ सकते हैं जो मैंने इसको घेरा लगाया, मिनिमम अमाउंट इच पेमेंट शुड भी 21 रुपया, आपको मिनिमम अमाउंट 21 रुपये पेमेंट करना हो तभी जाके आपका ऑफर काउंट होगा। और आपका कितना पुराना मर्चेंट अकाउंट है आपका काउंट हो जाएगा। मैंने 3 आपको, एक पे तो मैंने कैशबैक रिसीव करके दिखाया, 1 पे 3 पे 30 ऑफर एक्टिवेट करके उसको काउंट करके दिखाया, और दूसरा 2 पे 20 अकाउंट भी ऑफर एक्टिवेट करके उस पर काउंट कराया। तो दोस्तों यार जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो मैंने पिछले कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर लोगों ने इतना प्यार दिया है, अभी भी वो वीडियो चल रहा है, तो उसको प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मैंने एक गिव अवे लेकर आने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को मतलब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैंने आपको करके दिखा दिया आपको कितना पुराना मर्चेंट अकाउंट हो, आप कहीं से भी हो आपका ऑफर अवश्य काउंट करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।